अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं D-Link का राउटर जिसका मॉडल है DIR655। D-Link के राउटर का डिफॉल्ट IP 192.168.0.1 है। आप एंटर करेंगे, राउटर का मेन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेटस शो होगा। स्टेटस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन टाइप, केबल स्टेटस, नेटवर्क स्टेटस। तो यहाँ पर जो केबल स्टेटस है ये कनेक्टेड है। अगर आपकी केबल कहीं से डैमेज होगी तो यहाँ पर केबल स्टेटस डिसकनेक्ट शो होगा। उसके बाद नेटवर्क स्टेटस है, नीचे आपको IP एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइसेस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वायर और वायरलेस दोनों किस्म की डिवाइसेस जो इस राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगी। लैपटॉप इसके साथ कनेक्टेड है तो यहाँ हमारे पास IP एड्रेस शो हो रहा है, नाम शो हो रहा है और इसका माइक एड्रेस शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर सेटअप की ऑप्शन है, एडवांस की ऑप्शन है, टूल्स की ऑप्शन है। अगर आप इस राउटर का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सेटअप में जाएंगे। यहाँ पर आपको वायरलेस सेटिंग मिल जाएगी, वायरलेस नेटवर्क सेटअप विजिट है, एड वायरलेस डिवाइस विद WPS है। इसके नीचे आपको मैनुअल वायरलेस नेटवर्क सेटअप मिल जाएगा। तो आप इसको विजिट के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं, WPS के जरिए भी किसी भी डिवाइस को आप इसके राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैन्युअली सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक पूरा सेटअप बॉक्स हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क नेम की ऑप्शन है, यहाँ पर आप वाईफाई का नाम चेंज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं वाईफाई का। इनेबल ऑटो चैनल स्कैन है, ये आप ऑटो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मैन्युअली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल विड्थ है यहाँ पर 20 MHz और 40 MHz, ये आप ऑटो भी रख सकते हैं। विजिबिलिटी स्टेटस है, इसको आप विजिबल रखेंगे। सिक्योरिटी मोड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिक्योरिटी मोड सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे नीचे आप आएंगे, प्री शेयर्ड की मिल जाएगी, आप अपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वाईफाई का पासवर्ड और नाम चेंज करने के बाद आप यहाँ पर सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स हैं। नेटवर्क सेटिंग्स में आप राउटर का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 192.168.0.1 है। ये IP एड्रेस आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इंटरनेट को सेटअप कर सकते हैं। मैनुअल इंटरनेट कनेक्शन सेटअप है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। माई इंटरनेट कनेक्शन इज डायनामिक IP है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप PPO का अकाउंट भी डायल कर सकते हैं। PPO को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डायल कीजिए, ये सेटिंग सेव करेंगे तो आपका PPO का अकाउंट डायल हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको DHCP मोड पे ऑन किया हुआ है। इसके अलावा आप स्टेटस IP, L2TP, WPTP अकाउंट भी यहाँ पर डायल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग दी गई है, आप एडवांस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर बहुत सी सेटिंग्स दी गई हैं, हम यहाँ पर QoS की सेटिंग को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने राउटर में बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक लगा देंगे, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाएगी कि आप कितने KB पर सेकंड स्पीड देना चाह रहे हैं। यहाँ को मुख्तलिफ लिमिट्स दी गई हैं, यहाँ से आप कोई भी लिमिट सेलेक्ट करेंगे। कनेक्शन टैब पे आप क्लिक करेंगे, केबल एंड अदर ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाएंगे, इनेबल QoS इंजन की ऑप्शन को आप चेक कर देंगे। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, IP एड्रेस लिखेंगे और सेटिंग को आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो आपका ये राउटर आपकी बैंडविड्थ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। आप स्टेटस पे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर IP एड्रेस मिल जाएंगे। किसी भी डिवाइस के अगर आप बैंडविड्थ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर IP मिल जाएंगे। आप ये IP यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर QoS इंजन में इनको आप पेस्ट कर सकते हैं और बआसानी अपनी बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। techstore.com.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप ये राउटर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें। हमारी वेबसाइट पर इस राउटर के अलावा मुख्तलिफ कंपनीज के राउटर, वाईफाई एक्सटेंडर, नेटवर्क स्विच, पावर बीम, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल वगैरह बहुत ही मुनासिब प्राइस में अवेलेबल है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के हवाले से भी आप हमारी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।